दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग के लिए कौन है वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग अगर VI का सिम यूज कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप वोडाफोन और आइडिया का सिम यूज कर रहे हैं, उसमें आपको जो है SMS करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब कि आप SMS सेंड करते हैं उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से एरर आ जाता है, मतलब कि फेल्ड हो जाता है। आप जो SMS सेंड करना चाहते हैं वो फेल्ड हो जाता है बार बार। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग इसे किस तरह से आप फिक्स कर सकते हैं, मतलब कि आप लोग किस तरह से आप SMS सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो SMS है वो सेंड नहीं हो रहा था, तो उसके बाद हमने कस्टमर केयर को कॉल लगाए, ठीक है, 198 पे कॉल लगाए, उनको बोले तो वो बोले क्या हमारा जो है सिस्टम वर्क नहीं करा, 4 घंटे बाद कॉल कीजिएगा। फिर हमने 4 घंटे बाद कॉल किया, फिर वही चीज़, मतलब उनको हम 5 से 6 बार कॉल कर चुके थे, वो मतलब हमेशा बोलते थे कि 4 घंटे के बाद कॉल कीजिए। तो एक बार हमने कॉल किया और उनको सुना। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि हमने जो खुद से जो ट्रिक अपनाए थे वो किस तरह से SMS सेंड करने का वो ट्रिक अपनाए थे वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन में आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सेटिंग में जाने के बाद आपका यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क दिख जाता है, ठीक है, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे VI का जो आपका सिम दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसको ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक्सेस पॉइंट के बाद नीचे आपका नेटवर्क टाइप दे रहा है, प्रीफेयर नेटवर्क टाइप, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और आपका जो ये 4G रहेगा, ठीक है, 4G से आपको यहाँ पे 3G कर लेना है या आप 2G कर सकते हैं। जब आपको SMS करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे 2G या आपको 3G करना पड़ेगा, उसके बाद आप SMS सेंड कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमने वहाँ पे 3G वहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब ये जो SMS है इसे सेंड करते हैं, देखिए यहाँ पर सेंड करते हैं, ये जो हमारा SMS है वो वहाँ पर SMS वो चले जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर SMS सेंड हो गया, यहाँ पर कुछ रिसीव का यहाँ पे मैसेज भी आ गया, ठीक है, रिसीव्ड हो गया। वहाँ पे आप लोगों ने देखे दोस्तों यहाँ पे 3G किए तो ये जो हमारा SMS है वो मतलब चला गया, सेंड हो गया, ठीक है। तो अभी इसको हम आपको फिर से आपको देखिए यहाँ पे इसे 4G कर लेते हैं। 4G करने के बाद ये जो हमारा SMS है वो नहीं जाने वाला है, ठीक है। 4G कर लिए, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 4G हो गया, वहाँ पर वोल्टी होने दीजिए, यहाँ पे वोल्टी एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे सेंड करेंगे फिर से तो ये जो हमारा SMS है वो यहाँ पे नहीं जाने वाला, ये फेल्ड हो जा रहा है। मतलब कि आपको अगर जब भी मैसेज करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सिम कार्ड को 3G या 2G मोड में आपको लाना पड़ेगा। ये तो हो गया पहला तरीका, ठीक है। और दूसरा तरीका जो आपको बता रहे हैं वो भी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन में आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, ठीक है, जिस भी स्टेट में रहते हैं आपको यहाँ पे सिर्फ टाइप करना है। जैसे कि हम अभी बिहार स्टेट से हैं तो यहाँ पे लिखेंगे VI, ठीक है, मैसेज सेंटर नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे VI मैसेज सेंटर और यहाँ पे बिहार टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर आप मतलब जिस भी स्टेट का हैं उसे आपको टाइप करना है VI मैसेज सेंटर नंबर। अब जिस भी, जैसे कि आप UP से तो आप UP टाइप कर दीजिए, और देखिए यहाँ पर जो हमारा नंबर है वो आ गया, तो इसे हम कॉपी कर ले रहे हैं, प्लस के साथ आपको कॉपी कर लेना टोटल। आपको फिर आपको क्या करना, आपका जो ये SMS दिख रहा है SMS वाले पे आप क्लिक कीजिएगा, SMS वाले आप ओपन कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपका सेटिंग दिख जाता है SMS का, तो उसमें जाना है और नीचे जाना स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग है तो एडिशनल सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंड बाई कार्ड दिया हुआ, सेंड बाई VI कार्ड, तो आपको VI कार्ड पर आपको सेलेक्ट रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक और दिख रहा है आपको ऑप्शन, शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर, तो आपको शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर पे आपको क्लिक करना है और आपका जो VI का सिम है उसे क्लिक कर लेना है। आप देखेंगे कि वहाँ पे आपका दूसरा कोई नंबर रहेगा जो कि वो चेंज हो जाता है, वही आपको चेंज करना पड़ता। तो आपको जो वहाँ से कॉपी किए थे नंबर आपको यहाँ पर सीधा पेस्ट कर देना है और आपको ओके कर देना है। फिर आप वहाँ पर जाकर आप मैसेज करके आप ट्राई कर सकते हैं, आपका मैसेज जाएगा तो आपका सक्सेस हो सकता है। तो दोस्तों आपको वही ट्रिक अपनानी है, मतलब कि अगर आपका SMS नहीं जा रहा तो आपको अपने सिम कार्ड में जाना है और उसे 2G या 3G कर देना, उसके बाद आप SMS सेंड कीजिएगा, आपका SMS चला जाएगा, ठीक है। अभी ये आपके लिए टेम्प्रोरी, मतलब टेम्प्रोरी ट्रिक है, ठीक है, आपके लिए परमानेंट ट्रिक भी लेके आने वाले हैं।
तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभी खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद आप लोग के साथ भी शेयर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।